हेलो एंड वेलकम बैक टू एस एस बी क्रैक एग्जाम के लिए कुछ स्टोरीज इन दिस पार्ट टेन ऑफ द प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेट नाउ यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और उसके ऊपर हम कुछ सैम्पल स्टोरीज भी देखेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह उस स्टोरी से साइकोलॉजिस्ट आपके अंदर के क्वालिटीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट पिक्चर से लुक एट दिक्कत हिस्सर फॉर थर्टी सेकेंड्स

Akanksha is a 14 year old girl residing in Digboi Assam most of the fraternity of the people who are residing there are family members of the employees from Indian Oil Refinery in Digboi Akansha's mother had asthma one fine day she saw her mother with increased palpitation and breathlessness she tried calling her father during the time but since he was in the refinery the network connectivity was an issue therefore she ran out reached the local doctor's office of the society which was just two blocks away the doctor immediately rushed to the aid and provided necessary treatment the doctor appreciated on the child's quick response to the situation later on in the cultural gathering the family members decided to encourage akanksha and made her share the story with all the people with a round of applause from all akanksha felt very motivated and also came up with a suggestion to keep an awareness and emergency helpline which is in the awareness of the children and women soon it was incorporated by the cultural secretary बहुत कुछ यहाँ पे क्वालिटीज हमें देखने को मिल रहा है मेन कैरेक्टर का इंक्लूडिंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस की क्राइसिस सिचुएशन में उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया एंड सेव द डे रीजनिंग एबिलिटी है कि क्या करना चाहिए मुझे पहले जब उनकी मम्मी बीमार है तो क्या करना है सो मेडिकल एड के लिए उन्होंने जिस तरह से यू uh, नो you know, uh, काम को जल्दी किया एक्शन जल्दी लिया रीजनिंग so, be uh, so uh, well uh, एबिलिटी शो किया गया इससे पावर ऑफ एक्सप्रेशन कूड भी शोन बिकॉज शी ऑल्सो शेयर स्टोरी विद अदर्स को लैब शी कॉर्डिनेटेड विद डॉक्टर सो दैट हर मदर गेट्स वेल क्विकली सेल्फ कॉन्फिडेंस इज शोर्स एमरजेंसी सिचुएशन में पैनिक नहीं किया उन्होंने डिटर्मिनेशन शो किया गया यहाँ पे इस कैटर के थ्रू की उनके अंदर ही जो डिटर्मिनेशन विल पावर है जिसके थ्रू उन्होंने अपने uh, माँ को हेल्प किया दैट इज शोन ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कुड भी शोन दैट हाउ शी ऑर्गेइज्ड फॉर द डॉक्टर टू कम ठीक है उन्होंने एक के बाद

सो so, ये सारे क्वालिटीज है हमें मेन कैरेक्टर के थ्रू दिखाई दिया स्टोरी में तो आपको जब स्टोरी लिखना है इस तरह आपको इंटरप्रिट भी कर लेना है कि आपके स्टोरीज में से ये सारे क्वालिटीज दिख रहे हैं या नहीं ठीक है नेक्स्ट पिक्चर पे हम लोग चले जाते हैं हमारा नेक्स्ट पिक्चर ये है आप इस पिक्चर uh, को थिफ्टी सेकेंड्स के लिए देखें और ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर ले सकते हैं आप तो आफ्टर यू हैव लुक्ड इनटू दिस पिक्चर क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं दैट इट्स अ हॉस्पिटल सीन क्योंकि हमें एक हॉस्पिटल बेड दिखाई दे रहा है एक एक कबर्ड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे मेडिसिन के बॉटल्स दिख रहे हैं ठीक है सलाइन स्टैंड दिख रहा है एंड द मोस्ट नेगेटिव थिंग हियर इज दैट इट्स अ डेड बॉडी विच हॉस्पिटल बेड क्योंकि उसका जो चेहरा है बिल्कुल सर तक ढका हुआ है सो इट्स इट्स अ अउडेड डेड बॉडी दो लोक टू मेल पर्सन आर स्टैंडिंग वन इज बिट ओल्डर देन द अदर एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग सैडली एट द डेड बॉडी राइट

serve the villages free of cost and also along with his colleagues educate them to take preventive actions against seasonal diseases one day gets a man who died due to heart attack the reason being lack of emergency support system and first aid he notices that a young boy named raku who is a 15 year uh, of age crying in front of his father's dead body Dr. Divakar came to know that Raghu is a meritorious child but belongs to a poor family. After he lost his father, Dr. Divakar realized the difficulty he is going to face. He decided to bear the cost of his study till he becomes independent. Dr. Divakar also planned and provided emergency and fostered resources to avoid such incidents in future.

स्टोरी so like से किस तरह के इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है तो इससे हमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है कि जिस तरह उन्होंने बाद में विलेजेस के लिए इमरजेंसी मेडिकल एड और हॉस्पिटल का यू नो व्यवस्था किया रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिल रहा है कि इस तरह उन्होंने वो छोटे से बच्चे को हेल्प किया बाई रीजनिंग की उनके फादर के डेथ के बाद उनका जो पढ़ाई लिखाई है या उनका जो लाइफ uh, स्टाइल है थोड़ा चेंज हो जाएगा तो उसके लिए ही हेल्प द बॉय पावर ऑफ एक्सप्रेशन कूड बी सीन बिकॉज द इमोशनल एक्सप्रेशन आर सीन ओके हार्ड हार्टेडल पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमें देखने को मिला अबाउट द बैकग्राउंड वेन वी आर रीडिंग अबाउट हिस्स बैकग्राउंड देन हमें देखने को मिला डिटर्मिनेशन टूवर्ड्स फाइंडिंग अल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जिस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज किया मेडिकल और हॉस्पिटल का भी इनिशिएटिव उन्होंने इनिशिएटिव uh, लिया उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया और बाद में हॉस्पिटल भी बनाया कलेज कुड भी सीन इन दिवाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लिटिल ऑर्फेंट बॉय को कुड बी सीन अबाउट हाउ ही कॉपरेटेड विद अदर्स एंड विद्प ऑफ अदर्स डेवलप द हॉस्पिटल देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली है क्योंकि उन्होंने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया स्टेमिना दिखाई दिया हमें यहाँ पे सिर्फ फिजिकल से ज्यादा मेंटल स्टेमिना दिखाई दिया ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी दिखाई दिया लाइवलीनेस कुड भी सीन एंड ऑल्सो सोशल अडेप्टेबिलिटी कुड भी सीन सो सारे क्वालिटी सारे ओल क्यूज हमें इस स्टोरी के थ्रू इंटरप्रेट करने को देखने को मिल रहा है तो इस तरह आप जब भी टैट के स्टोरीज लिखे खुद का जो स्टोरी है इस तरह आपको इंटरप्रेट करना है देखना है कि कौन से क्वालिटीज आपके स्टोरीज के थ्रू शो किया जा सकता है और जिस क्वालिटीज में आपको लग रहा है थोड़ा कम शो किया जा रहा है तो आपको सोचना है कि इस पर्टिकुलर या कौन से स्टोरी के पार्ट में हम ये चीज जो है मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा ये जो क्वालिटी है यह साइकोलॉजिस्ट लिखे ना विल शो यू अनदर पिक्चर हियर इट इज दिस इज फॉर योर होमवर्क आप इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए थर्टी सेकेंड्स के लिए और फिर एक स्टोरी लिखिए और ये स्टोरी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा लिख के ताकि मैं आपका स्टोरी पढ़ सकूं ऐसे अगर आप अपने अपकमिंग एसेसमेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए इसमें आपको एसेसमेंट इंटरव्यू के सारे प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी और कैसे उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है टेस्ट को कम्पलीट करना है उसके लिए भी प्रैक्टिस करने को आपका मौका मिलेगा इसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में हर रोज ज्वाइन हो सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटर्न डिफेंस एग्जाम उसके लिए भी कोर्सेस हमने अपने ऐप में अवेलेबल किया है तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए लीजिए आज ही और कोर्स को सब्सक्राइब कर सब्सक्रिप्शन के वक्त का जरूर यूज कीजिएगा जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट इन कोर्सेज में मिल सके दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड आई होप टू सी यू वेरी सुन विद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यू एंड इट्सेशन टून स्टे टून विद एंड पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड जय हिंद अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एस एस बी इंटरव्यू एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं